हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए लाए हैं। क्लोज टॉपिक रहेगा आज का हमारा, जो कि आपके एमए प्रीवियस के अंदर है। आपने अगर नहीं देखा तो उसको जाके जरूर देखें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्लोज जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। क्लोज के अंदर एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और एक क्या है, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से ही क्या बनेगा, आपका एक क्लोज बनता है, ठीक है। अब जो क्लोज होता है वो एक होता है डिपेंडेंट क्लोज और एक होता है इनडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। डिपेंडेंट क्लोज और इनडिपेंडेंट क्लोज के बारे में अपने आप बात करते हैं, क्या होता है डिपेंडेंट और क्या होता है इनडिपेंडेंट, और फिर आपको ये बता देंगे कि सब्जेक्ट क्या है और फाइनाइट वर्ब क्या है। मेन चीज आपको यही बतानी चाहिए कि नाउन क्लोज कैसे पहचाना जाता है, ठीक है, एडजेक्टिव क्लोज कैसे पहचाना जाता है, या फिर एडवर्ब क्लोज कैसे पहचाना जाता है। मतलब मेन चीजें ये है कि इनके आपको क्लोज के एग्जांपल्स बताने चाहिए कि कैसे पूछी जाते हैं। वो चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे राम इज अ बॉय, ठीक है, राम इज ए बॉय, ये आपका एक क्लोज बन गया, ठीक है, ये आपका एक क्लोज बन गया, जिसके बीच में ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये बाकी जो बच गया ये आपकी क्या है, फाइनाइट वर्ब होगी, ठीक है, फाइनाइट वर्ब होगी। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे राम इज वेरी हैप्पी सो ही गो टू क्लब, जैसे मर्जी बना लो। मीन्स ये है कि मैं आपको सेंटेंसेस वैसे तो नेट से देख के बताऊंगा कि कैसे कैसे एग्जांपल हैं, ये मैंने वैसे लिख दिया आपके लिए, ठीक है। राम इज वेरी हैप्पी, क्यों राम खुश है, क्यों खुश है, या किस लिए खुश है, क्योंकि वो क्लब गया था, ऐसे मान सकते हैं। ये चीज होगी एक तरीके से। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, उसके हिसाब से अपने बात कर लेंगे कि कौन से एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि ये नाउन क्लोज है या आपका एडजेक्टिव क्लोज है या फिर एडवर्ब क्लोज है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं नाउन क्लोज की, ठीक है। नाउन क्लोज के सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे आई लाइक व्हाट, आई लाइक व्हाट आई हियर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो ये नाउन क्लोज है ये आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब कि सब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन क्लोज आ सकता है, ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन क्लोज आ सकता है। ये चीज आप दो चीजें ध्यान दें कि जो नाउन क्लोज है वो आपके सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। अब ये जो आपको मैंने एक सेंटेंस दिया आई लाइक व्हाट आई हियर, ठीक है, तो इसके बीच में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट का पता आप क्या से पता कर सकते हैं, आई लाइक मैं पसंद करता हूं क्या, व्हाट आई हियर, तो जो मैं सुनना पसंद करता हूं, आई लाइक मैं पसंद करता हूं क्या, जो मैं सुनता हूं या मैं जो सुनता हूं वही मैं पसंद करता हूं। तो अगर मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को, मतलब ये वाला जो क्लोज है इसको अगर मैं हटा दूं, यहाँ पे लिख दूं आई लाइक म्यूजिक, तो ये इसकी जगह ले सकता है ना, तो जो दूसरे की जगह ले सकता है और क्या का आंसर देगा वो आपका क्या होगा, एक नाउन क्लोज होगा, ठीक है, वो आपका क्या एक नाउन क्लोज होगा। उसके बाद में अपने चलते हैं दूसरे क्लोज की तरफ, जो कि अपना एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज के अंदर आप कैसे पता कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको लगेगा कि एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है, पर आपको मैं सिंपल शॉर्ट आंसर बता दूंगा कि आपने कैसे उसको याद करना है, ठीक है। जैसे आई वेंट थ्रू द बुक, उसके बाद में उसने कहा एट ए लाइटनिंग स्पीड। अब इसके अंदर देखो
इसके अंदर अगर आपने को बनाना है तो ये वाला जो आपका एक क्लॉज बन जाएगा, एट लाइटनिंग स्पीड आई वेंट थ्रू द बुक, मतलब कि मैंने बुक को पढ़ लिया या बुक को कवर कर लिया, ठीक है, याद कर लिया या एक तरफ से निकाल दिया। कैसे कैसे, जब आपका आंसर आएगा कैसे, ठीक है, या फिर ये टाइम को शो करे, टाइम को शो करे, या फिर जितने भी एडवर्ब के टाइप्स होते हैं ना, एडवर्ब के जितने भी टाइप्स हैं, उन सब टाइप्स के थ्रू आपका ये काम हो रहा हो, जैसे कब हो रहा है, ठीक है, मैंने ये काम किया दिन में, ठीक है, आई एम गोइंग स्कूल डेली, इसमें डेली जो है ये क्या आपका एडवर्ब है, तो ये आपका एडवर्ब क्लोज हो जाता है। इस तरीके से आपको क्या है कि कोई भी एक लाइन दी होगी जिसके बीच में आपका कैसे का आंसर आए, कब का आंसर आए, कोई टाइम के बारे में बता रहा हूं, या एडवर्ब के जितने भी टाइप्स आते हैं उससे रिलेटेड अगर बात आ जाती है तो आपको क्या करना है, एडवर्ब क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद में अपने देखते हैं एडजेक्टिव क्लोज। तो एडजेक्टिव क्लोज के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताया था, एडजेक्टिव क्लोज को आप कैसे बता कर सकते हैं, एक मिनट, जैसे एडजेक्टिव क्लोज का यू देयर, यू देयर हु इज सिटिंग क्वाइटली इन द कॉर्नर, ठीक है, इन द कॉर्नर। उसके बाद में कम हेयर एंड लीड द क्लास आउट, कम हेयर एंड लीड द क्लास आउट। अब इसके बीच में आपको कैसे पता लगेगा कि एडजेक्टिव क्लोज है, तो यहां पे देखिए यू देयर, यू देयर का मतलब वहां पे जो बैठा है, मतलब कि एक तरह से क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है, विशेषता बता रहा है, यू देयर वहां पे जो बैठा है, कौन बैठा है, तो हु इज सीटिंग क्वाइटली इन द कॉर्नर, मतलब कि उसने पहले बता दिया कि वहां पे जो बैठा है, मतलब कि उस बंदे की क्या विशेषता बता रहा है। जैसे यू हु आर वेरी रिच इज माई फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें क्या है, यू, यू के बारे में ये बात की जा रही है कि हु आर वेरी रिच या हु इज वेरी रिच, इस तरीके से आ जाए तो ये सारा का सारा सेंटेंस अपने को क्या है, इसकी एक विशेषता बता रहा है, और जो विशेषता बताने वाला होता है उसको अपने कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको एग्जाम्पल्स कुछ लिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे एक बार मैं एग्जाम्पल सर्च कर देता हूँ, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के मैं एग्जाम्पल्स आपको 5 से 6 यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले अपने देख लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के एग्जाम्पल, फिर अपने कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज के एग्जाम्पल्स में सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आई जैसे आई हेट टॉम, आई हेट टॉम, ठीक है, मैं टॉम को क्या है हेट करता हूं, हु ऑलवेज कंप्लेन, हु ऑलवेज कंप्लेन, ठीक है। तो यहां पे ये आपका क्या है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा क्योंकि ये टॉम के बारे में बता रहा है, आई हेट टॉम, मैं हेट करता हूं टॉम को, क्यों, क्योंकि वो हमेशा क्या है कंप्लेन करता रहता है, तो ये आपका क्या बन गया एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। ऐसी एक और है जैसे दी ऑरेंज, दी ऑरेंज या मान लो दी एप्पल, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, दैट ही वाज बॉट इज वेरी डिलीशियस, ठीक है, डिलीशियस। तो इसके बीच में क्या बता रहा, ऑरेंज के बारे में बात की जा रही है कि ऑरेंज जो उसने क्या किया है, खरीदे हैं,
खरीदे थे। ही वाज बॉट ऑरेंज जो उसने खरीदे हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा ही डिलीशियस है। ये दैट से लेकर ये बोट तक का आपका जो क्लोज होता है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लोज हो गया। उसके बाद में अपने देख लेते हैं आप नाउन क्लोज के बारे में कुछ सिंपल सिंपल देख लेते हैं ताकि अपने को समझ आ जाए। एग्जाम्पल्स देखें, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सैड। अब व्हाट ही सैड यहां पे आ गया आपका, ठीक है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका क्या। जब भी क्या क्वेश्चन मार्क में आ जाए तो आपका क्या बन जाएगा, एक नाउन क्लोज, जबकि ये सारी बात क्या है, नाउन क्लोज के अंदर आ गई है, ठीक है। ऐसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने, जैसे They said, उसने कहा, क्या कहा, He was very, they said that बन जाएगा। क्योंकि कोई भी एक, आप ये समझ लीजिए कि अगर क्लोज है, कोई भी एक क्लोज है, ठीक है, उसके बीच में that लगा के, who लगा के, which लगा के, वैन लगा के, इन वर्ड्स के द्वारा जो आपकी स्टार्टिंग के हम कह सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को इन चीजों के साथ जोड़ा जाता है, तब वो एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज का रूप ले लेता है। जैसे ये दे सैड दैट, यही आप कर लीजिए, दे सैड दैट ही वाज वेरी हैप्पी, ठीक है। ये आपका पहला हो गया, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब आ गई। अब ये क्या है, एक कंजंक्शन का रूप कर रहा है, और ये बाद में क्या आपका एक सब्जेक्ट वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, इस तरीके से हो गया। तो ये तो आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है, इंडिपेंडेंट। ये अगर इतनी सी बात आती है तो भी चलेगा, इसके साथ कोई चीज होनी चाहिए। अब यहां से लेकर यहां तक में क्या है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लोज है, डिपेंडेंट इस चीज के ऊपर है, दे सैड उसने कहा, क्या कहा, या वे कहते हैं, क्या कहते थे, तो ही वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत ज्यादा ही खुश है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है क्वेश्चंस को, और कोई भी दिक्कत आती है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।